नवी मुंबई में 1,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ने का मामला सामने आया है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड कस्टम विभाग ने रविवार को अफगानिस्तान से ईरान के जरिए लाई गई 1,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स नवी मुंबई के पोर्ट से जब्त की है। ड्रग्स को प्लास्टिक की पाइप में छुपाकर लाया गया था और उसे इस तरह से पेंट किया गया था कि वो बांस जैसे लगे। पकड़े जाने के बाद तस्कर इसे आयुर्वेदिक दवा बता रहे थे। ड्रग्स के इम्पोर्ट के कागजात तैयार करने वाले 2 कस्टम हाउस एजेंट को मुंबई से और 1 इम्पोर्टर और फाइनेंसर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को आज मुंबई लाया जाएगा। इस मामले में आज कुछ और भी गिरफ्तारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSRS न्यूज, नवी मुंबई।